मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ नेहा हियर एंड योर कोर्स टीचर विच इज़ वीड मैनेजमेंट एंड योर कोर्स नंबर इज एग्रो 5212। ओके, सो टुडे अगेन आई हैव कम अप विद न्यू चैप्टर इन आर दिस सेशन विच इज़ एडजुएंट। ओके, सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट सम क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स एंड देयर फॉर्मुलेशंस ऑल्सो। ओके, सो इन आवर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस्ड अबाउट दैट एडजुएंट। सो लेट अस सी। सो ओके, द कंसेप्ट ऑफ एडजुएंट्स एंड सेफनेस विच इज़ इन आवर सिलेबस ऑल्सो एंड काइंड्स ऑफ एडजुएंट। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समटाइम्स इट यू नो आस्क्ड फ्रॉम नोट्स, यू नो शॉर्ट नोट्स ऑल्सो इन आर एग्जाम्स। सो लिसन वेरी केयरफुली। सो लेट अस स्टार्ट एंड टेक फर्स्ट वन कंसेप्ट ऑफ एडजुएंट एंड सेफनेस ऑल्सो। सो वॉट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एडजुएंट एंड सेफनेस वी कैन सी, लेट अस सी। ओके, द एडजुएंट, okay, the term adjuvant which means, you know, which means like helper, ठीक है, सहायक, जो सहायता करे उसे हम सहायता करे, सिंपल वे में हम adjuvants को सहायक कह सकते हैं। ठीक है, सो इन सिंपल वे वी कैन से दैट एन एडिटिव दैट इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेडिकल ट्रीटमेंट और अवर पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड इज, इट इज़ कॉल्ड एडजुएंट ऑल्सो। ठीक है, एंड यू नो दैट सर्टन केमिकल आर यूज फॉर इम्प्रूविंग द हर्बिसाइड इफेक्ट्स सेलेक्टिविटी एंड टू प्रोलोंग सेल्फ लाइफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, क्या होता है कि कुछ केमिकल हम सिंपली अगर देखते हैं तो वो एक ऐसा एडिटिव, एक ऐसा एडिटिव यू नो फॉर्मूला विच इज़ इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एडजुएंट। ठीक है, एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन जो हमारे हर्बिसाइड्स के यू नो इफ जो उसका वर्क है, जो उसका वर्किंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, उसको जो इम्प्रूव करता है और इफेक्टिव फॉर्म में जो लाता है उस टाइप के, जो हम जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन फार्मूला में होता है, ठीक है, उस टाइप के यू नो सहायक को या एडजुएंट है, उसको हम एडजुएंट कहते हैं। ओके, सम सब्सटेंसेस आर आल्सो यूज अलोन विथ हर्बिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट पॉसिबल डैमेज बाय द हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस का हम इंडिविजुअली मिक्सअप करके नहीं, इंडिविजुअली हम उनका अलग से अगर हम उनका प्रयोग करते हैं अपने क्रॉप प्लांट में, जैसे पॉसिबल डैमेज है, कुछ जो हमारे प्लांट होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं। ठीक है, तो हर्बिसाइड्स हम जब डालते हैं वीट कंट्रोल के लिए, फॉर द वीट कंट्रोल, तो दे कैन नॉट टॉलरेट। ठीक है, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता था, क्रॉप डैमेज हो जाता है। तो यही है कि कुछ टाइप के सब्सटेंसेस भी अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ एडजुएंट। ठीक है, हमारे क्रॉप प्लांट को डैमेज से, जो पॉसिबल डैमेज है उससे बचाने के लिए। सो दे आर यू नो, और यू नो दैट दिस एडजुएंट एडिटिव्स मे बी यू नो इंक्लूडेड इन अ फॉर्मुलेशन विद पेस्टिसाइड्स और मे बी एडिड सेपरेटली टू अ टैंक ऑल्सो, दैट वॉट इज़ यू नो, जैसे उसको अलग से आप किसी टैंक में भी मिला सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक केमिकल कंपोजिशन है, सपोज आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लिक्विड है जो एडजुएंट का एडजुएंट है, ठीक है, जो एडजुएंट ही है, तो आप उसको, कुछ एडजुएंट्स ऐसे होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन और कंपैटिबिलिटी को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए है, पहले से ही हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन ही ऐसा हुआ होता है कि उसमें एडजुएंट भी एडेड होते हैं। ठीक है, आप हर्बिसाइड का जब बॉटल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इसमें लिखा होता है, उसमें पूरा केमिकल कंपोजिशन हो जाता है, लिखा हुआ होता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कितना कितना परसेंट है, कितना कितना मात्रे में इंक्लूडेड है। ठीक है,
तो वही है कि कुछ जो है एडजुवेंट वो पहले से ही फॉर्मुलेशन होके आते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स के साथ, और कुछ एडजुवेंट ऐसे हैं जिनको हम अलग से टैंक में, यू नो, अलग से टैंक में हम सेपरेटली तैयार करते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स का जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं, हर्बिसाइड्स का हम जब घोल तैयार करते हैं तो हम उसको अलग से तैयार करते हैं फॉर द पॉसिबल डैमेज ऑफ आर क्रॉप प्लांट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पॉसिबल डैमेज ऑफ आर क्रॉप प्लांट. सो देयर आर एडजुवेंट्स, सो एडजुवेंट्स एट द हर्बिसाइड अवेबिलिटी एट द एक्शन साइट इन द प्लांट, ठीक है, वो जो उसका जो मौजूदगी होता है, ठीक है, कुछ हर्बिसाइड जो है एडजुवेंट है उसको हम हर्बिसाइड्स में मिलाते हैं, क्यों, उसका मोड ऑफ एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उसका मोड ऑफ द एक्शन कैसा है, सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, अगर सेलेक्टिव है तो वो कितना इम्प्रूव है और कितना इफेक्टिवनेस है, इसको इम्प्रूव करने के लिए और उसका हम रिजल्ट देखने के लिए एडजुवेंट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है. एडजुवेंट्स में नॉट इंक्रीज द इनेट एक्टिविटी ऑफ एनी हर्बिसाइड बट दे इम्प्रूव देयर अवेबिलिटी एट द एक्शन साइट ऑफ द प्लांट, क्या है, वो मोड ऑफ द एक्शन पे काम करते हैं, ठीक है. जो एडजुवेंट्स होते हैं वो भी जो जितने भी एडजुवेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो जो है मोड ऑफ द एक्शन पे काम करते हैं, ठीक है. वो अगर मोड ऑफ द एक्शन आपका नॉन सेलेक्टिव टाइप का है, ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव टाइप का है तो वो क्रॉप प्लांट को कम डैमेज हो, क्यों, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव टाइप का है जो सब प्रकार के सबको अपना इफेक्टिवनेस दिखाएगा, ठीक है. तो हम उसमें कुछ प्रोटेक्टेंट्स, कुछ सफिनर्स टाइप का एडजुवेंट्स मिक्सअप करते हैं जो हमारे जो प्रोटेक्ट करें, हमारे क्रॉप प्लांट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है. यू नो दैट जैसे कभी क्या होता है कि हम किसी भी हर्बिसाइड्स में फॉर्मुलेशन में हम देखते हैं कि पहले से जब हर्बिसाइड्स का फॉर्मुलेशन ऐसे बन के आया है, यू नो दे आर इंक्लूडेड इन द हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन देमसेल्फ, अगर एडजुवेंट फिर से फॉर्मुलेशन में ही वो तैयार हो के आया है तो उस टाइप का जो एडजुवेंट्स होता है, ठीक है, जो एडेड होता है पहले से हर्बिसाइड्स में, हम उसको इन कैन एडजुवेंट्स बोलते हैं, ठीक है. और जो हर्बिसाइड्स हम सेपरेटली टैंक में तैयार करते हैं, जिस हर्बिसाइड्स में हम एडजुवेंट डाल के सेपरेटली तैयार करते हैं, उस टाइप की जो हर्बिसाइड्स को हम सिंपली टैंक मिक्स हर्बिसाइड, टैंक मिक्स एडजुवेंट बोलते हैं, यू नो. तो बेसिकली द एडजुवेंट्स आर मेजरली टू टाइप्स, फर्स्ट इज इन कैन एडजुवेंट्स एंड सेकेंड वन इज सिंपल टैंक मिक्स एडजुवेंट, ठीक है. सो मूविंग ऑन, ओके, वन मोर थिंग, व्हेन यू नो व्हेन डिलीवर्ड इन इन कैन एडजुवेंट्स मे बी यू नो क्वाइट इफेक्टिव एज कंपेयर टू टैंक मिक्स, ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी जो होती है, यू नो, लिमिटेड जो स्पेस में उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में, एक उतने ही केमिकल कंपोजिशन में हम उसको हर्बिसाइड का जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पहले से हम उसको तैयार करते हैं, तो वो एक लिमिटेड स्पेस में होता है, लिमिटेड कंपैटिबिलिटी होती है उसकी, ठीक है. एज़ कंपेयर टू अवर टैंक मिक्स, टैंक मिक्स में क्या हो जाता है कि जो टैंक मिक्स एडजुवेंट्स, यू नो, मे बी नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ हर्बिसाइड्स, ठीक है. एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस वो अपना हर्बिसाइड्स में अपना दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो थ्रू द मैनुअली होता है, ठीक है, वो हमारे द्वारा मिक्सअप किया होता है, तो हो सकता है कि कम ज़्यादा या एक सही मात्रा, सही क्वांटिटी में मिक्स नहीं हुआ, जितना रिकमेंडेशन है उससे कम हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, तो वो ऑप्टिमम अपना इफेक्टिवनेस दिखा पाता है एज़ कम्पेयर टू इन कैन एडजुवेंट्स, ठीक है. ओके, समझ आ गया. सो ओके, मूविंग ऑन. सो या देयर आर एडजुवेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी टू द नॉन टारगेट प्लांट्स टू रेंडरिंग हर्बिसाइड सेफर फॉर द यूजर्स एंड प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेट, ठीक है. मतलब एक तो ये भी काम आता है कि वो इफेक्टिवनेस को बढ़ा दे, उसके साथ ही साथ, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस क्या काम आता है उसके साथ ही साथ कि वो प्रोलॉन्ग जो उसका जो इफेक्टिवनेस है, जिस पर्टिकुलर हर्बिसाइड का जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, जो उसका प्रभावशीलता है उसको बनाए रखता है वो, ठीक है, उसको बनाए रखता है. तो उसका एक जो जिस कंसंट्रेशन में, जिस इमल्सिफाई कंसंट्रेशन में उसका फॉर्मुलेशन किया गया है, जिस कंसंट्रेशन में उसे तैयार किया गया है, उसको बनाए रखने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है,
एडजुएंट के द्वारा, ठीक है। इसीलिए हम एडजुएंट को हेल्पर बोलते हैं, सहायक बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो देयर आर सम काइंड्स ऑफ एडजुएंट्स विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज सर्फेक्टेंट्स, सेकेंड वन इज स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स इन फर्दर टू कैटेगरी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इमल्सीफायर एंड देन डिस्पर्सिंग एजेंट्स, देन कपलिंग एजेंट्स ऑल्सो विच वी ऑल्सो कॉल सॉल्वेंट्स एंड को सॉल्वेंट्स, ओके। देन ह्यूमिकेंट्स विच वी कॉल हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स ऑल्सो, देन डिपोजिट बिल्डर्स, दिस कॉल स्ट्रिकर्स और फिल्मिंग एजेंट, ठीक है, जो फिल्म तैयार करें, कैसा फिल्म तैयार करें हम आगे बताएंगे। After that, compatibility agents also, then activators which we also call the synergids, and then drift control agent, ठीक है। drift control is में मतलब बहाव को जो control करे, जो run off जो होता है, हम कभी डालते हैं हर्बी साइड, जो बह के चला जाता है, जितनी मात्रा हमें मिलनी होती है हमारे प्लांट को, वीट प्लांट को, उतना वो इफ़ेक्टिव नहीं दिखा पाता, जो ड्रिफ्ट को कंट्रोल करे, उस टाइप का भी एजेंट्स का हम स्टडी यहाँ पर करेंगे, ओके। So let's take one by one. So we take first one, which is surfactant. ठीक है, तो what is surfactant? Let us see. Surfactant is a material which favors or improves the emulsifying dispersing. ठीक है, एक ऐसा material है, एक ऐसा तैयार किया हुआ substance है, ठीक है, जो कि क्या करता है, improve करता है emulsify concentration को, ठीक है, और dispersing फैलाव को इमल्सीफाई कंसंट्रेशन जो होता है उस सॉल्यूशन का, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। स्प्रेडिंग, वेटिंग और अदर सरफेस मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्बिसाइड्स फॉर्मुलेशन, ठीक है, जो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप का हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन होता है, हमने कल ही पढ़ा है कि ग्रैन्यूल फॉर्मुलेशन होता है, वेटेबल पाउडर का फॉर्मुलेशन होता है, इमल्सीफाई कंसंट्रेशन का फॉर्मुलेशन होता है, फ्यूमिगेंट्स के तरीके से हम, हाइग्रोस्कोपिक तरीके से हम हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फॉर्मुलेशन इन हर्बिसाइड्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडिफाई करता है प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, उसके उसका जो प्रॉपर्टीज़ मीन्स मतलब उसका जो नेचर है, उसका जो कोर नेचर है, जो उसमें पाया जाता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है, और वो जितना उसे चाहिए रहता है सरफेस में, उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज़ को वो मॉडिफाई करके प्रोवाइड कराता है, इम्प्रूव करता है, इफ़ेक्टिवनेस होता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट्स एड इन वेटिंग द वैक्सिंग लीड सरफेस विद एक्वस हर्बिसाइड स्प्रे, ठीक है, वेटिंग एजेंट होता है सर्फेक्टेंट्स जो है, हम एक वेटिंग जो जितने भी एजेंट होते हैं, ठीक है, वेटेबल पाउडर है, अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, पेनिट्रेट कराने का काम करता है। वैक्सिंग आप देखेंगे बहुत सारे वीड्स में एक वैक्सिंग लेयर होती है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वीड में वैक्सिंग लेयर है, इसके लीव में या फिर उसके स्टेम में एक वैक्सिंग लेयर है, कैसे, जब आप पानी का छिड़काव करेंगे तो वो पानी बैठ नहीं पाता उसमें, ठीक है, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, रन हो जाता है। तो वैसे लीव्स में आप देखेंगे कि जैसे लोटस में देखेंगे, हाइसेंथ में होंगे, ये पानी में उगने वाले जो एक्वेटिक वीड्स है, वो बेसिकली क्या होता है, वैक्सिंग लीव सरफेस के होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो इस टाइप के जो एडजुएंट होते हैं, जैसे हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडजुएंट विच वी कॉल्ड सर्फेक्टेंट, वो जो है वो पेनिट्रेट करने का काम करता है, ठीक है, पेनिट्रेशन करता है, जिससे उसका जितना मटेरियल उसको मिलना होता है वो मटेरियल को प्रोवाइड कराता है, इफ़ेक्टिवनेस दिखाता है अपने, इम्प्रूव करता है, ठीक है। इन द पेनिट्रेशन ऑफ द हर्बिसाइड इनटू द टारगेट साइट्स, जैसे हम मैंने बताया कि पेनिट्रेट कराता है, ठीक है। सो सम एग्जांपल्स आर देयर विच इज़ एलिक्वेट फोर एंड पॉलीजेंथिलीन एक्सेट्रा, तो सो देयर आर ओनली टू एग्जाम्पल विच वी मैंसन हियर, सो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सो प्लीज़ हाईलाइट दिस टर्म एलिक्वेट फोर एंड पॉलीजेंथीन, ठीक है, विच इज़ सर्फेक्टेंट, विच इज़ परफॉर्म देयर वर्क एज अ सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि अपना सर्फेक्टेंट के रूप में अपना वर्क होता है, जो इसका बेसिक नेचर है वो परफॉर्म करता है। तो मैंने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं ताकि आप इसे याद कर सके, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में दो एग्जाम्पल तो लिखेंगे ही। तो मैंने ईजी से एग्जाम्पल लिया है, ऐसे तो बहुत सारे सर्फेक्टेंट होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
मूविंग ऑन. ओके सो वी रीच सेकेंड वन, स्टेबलाइजिंग एजेंट. ओके सो स्टेबलाइजर आर केमिकल यूज फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबल इमल्शन एंड सस्पेंशन इन द स्प्रे टैंक. ठीक है, तो ये जो स्टेबलाइजर्स एक ऐसा यू नो विलयन है, एक ऐसा रसायन है केमिकल यूज फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबल इमल्शन एंड स्टेबल सस्पेंशन इन स्प्रे टैंक. ठीक है, तो हम इसे एक मतलब एक स्टेबल इमल्सिफाई कंसंट्रेशन तैयार करने के लिए हम इसको मिक्सअप करते हैं हमारे हर्बिसाइड्स के साथ. किसमें? हमारा जो स्प्रे टैंक होता है. ठीक है, स्प्रे टैंक आपका स्प्रेयर हो सकता है, आप उसमें मिक्सअप करते हैं डायरेक्टली, या किसी आप अलग से स्प्रे टैंक में सॉल्यूशन तैयार करते हैं, रसायन तैयार करते हैं, उसके बाद अपने आप नैपसैक स्प्रेयर वगैरह में आप डालते हैं, उसके बाद आप अपने आप उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो एज वी कन्वीनियंट फॉर दैट. ठीक है, इंडिविजुअली नोन एज इमल्सिफायर एंड डिस्पर्सेंट रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जो यू नो दैट जो इमल्सन के लिए यूज करते हैं हम उसे हम इमल्सिफायर कहते हैं, और जो सस्पेंसन के लिए यूज करते हैं हम उसको डिस्पर्सेंट कहते हैं. ठीक है, जो फैलाव के लिए हम जिसका यूज करते हैं, जो अच्छे से मिल पाए, ठीक है, जो अच्छे से फैल पाए, वो जो हम यूज करते हैं उसको हम डिस्पर्सेंट कहते हैं. ठीक है, सो इमल्सिफायर क्या होता है देखते हैं. इमल्सिफायर क्या होता है? अ सब्सटेंस विच स्टेबलाइज रिड्यूस द टेंडेंसी टू सेपरेट अ सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड विच अदरवाइज वुड नॉट मिक्स विद द फर्स्ट वन. ठीक है, सो इमल्सिफायर एक ऐसा एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्टेबलाइज होता है, जिसकी प्रॉपर्टी स्टेबलाइज करना होता है. ठीक है, सेपरेट मत हो, वो मिल के रहे, फैले. ठीक है, मान लो हम किसी केमिकल का, जैसे आप पानी में तेल डालते हैं या तेल में पानी डालते हैं, तो क्या होता है? सेपरेट हो जाता है ना, वो मिक्सअप नहीं हो पाता. तो वैसा ना हो, मिक्सअप हो, कम्प्लीटली ब्लेंड हो. ठीक है, ताकि हमारे वीड पे वो पड़े और अपना इफेक्टिवनेस दिखाए. जिस काम के लिए हमने डाला है वीड को ख़त्म करने के लिए, वो अपना इफेक्टिवनेस दिखाए, इम्प्रूव करे. तो इस टाइप का जो केमिकल कंपोजिशन हम तैयार करते हैं उसको हम इमल्सिफायर कहते हैं. ठीक है, इट इज़ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉन्स्टेंट एगिटेशन ऑफ स्प्रे लिक्विड्स. दिस इज यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, सुधार लीजिएगा. लिक्विड्स ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन, सो देयर आर सम एग्जांपल इज ABS एंड सॉल्वेट. ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको याद करना है, और सिर्फ दो दो एग्जांपल ही मैंने लिया है, ज़्यादा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, दो दो एग्जांपल लिया है. तो एटलीस्ट ये एग्जांपल तो आपको एग्ज़ाम में देने पड़ेंगे. ठीक है, सो दीज टू आर कम्स अंडर स्टेबलाइजिंग एजेंट. ठीक है, जो हर्बिसाइड्स में हम जब ये दो केमिकल को जब हम मिक्सअप करते हैं, तो ये इनकी एक कोर प्रॉपर्टी होती है स्टेबलाइज करने की. ठीक है, सस्पेंस करने की. इमल्सन जो इमल्सिफायर जो इमल्सन उनकी जो नेचर है, ठीक है, वो जो रिड्यूस करने की ऐसी टेंडेंसी रिड्यूस करने की जो सेपरेट कर देती है. ठीक है, जो मिल ब्लेंड नहीं होने देती, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो आप ये ध्यान में रखेंगे. एंड देन सेकेंड वन इज़ डिस्पर्सिंग एजेंट. ठीक है, दे स्टेबलाइज सस्पेंशन. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सस्पेंशन से समझ आ रहा है कि सस्पेंड करते हैं. ठीक है, बढ़ाते हैं, फैलाव करते हैं. ठीक है, दे कीप फाइन पैरासाइट्स ऑफ वेटेबल पाउडर इन सस्पेंशन इन वाटर इवन आफ्टर इनिशियल विगेरस एगिटेशन हैव बीन विदड्रॉन. ठीक है, तो ये एक वेटेबल पाउडर में इस टाइप जो डिस्पर्सल एजेंट्स होते हैं, जो वो हम एक जो वेटेबल पाउडर टाइप का जो हम फॉर्मुलेशन हर्बिसाइड्स का होता है, उस टाइप के हर्बिसाइड्स के लिए हम डिस्पर्सिंग एजेंट्स एडजुवेंट्स का प्रयोग करते हैं. ठीक है, सो मूविंग ऑन. ओके देन कपलिंग एजेंट. ठीक है, तो कपलिंग एजेंट से हमें समझ आ रहा है जो कपल कर ले. ठीक है, कपल मीन्स वॉट? कपल मतलब जुड़ जाए, एक साथ हो जाए. ठीक है, सो केमिकल दैट इज यूज टू सॉल्युबलाइज अ हर्बिसाइड इन अ कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज सॉल्युबल विथ वाटर इन ऑल प्रपोर्शन. ठीक है, सो क्या कह रहा है? जो ऐसा केमिकल जो सॉल्युबलाइज करे हर्बिसाइड कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन जो भी उसका, जो भी एक उसका सांद्रता बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को आप सांद्रता बोलते हैं, उस सांद्रता में उसको सॉल्युबल करे. सॉल्युबल मतलब मिलाए अच्छी तरह से मिलाए. ठीक है, जिससे जो क्या हो, जिसके जो सॉल्यूशन का सॉल्युबल है वो पानी के साथ अच्छे तरह से एक
एक वांटेड या रेकमेंडेड प्रोपोर्शन में जो मिक्सअप हो जाए वाटर के साथ, ठीक है। सो उस टाइप का जो एजेंट होता है उसको हम कपलिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल इज 2-4 days डी इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बहुत सारे हर्बिसाइड्स, जैसे हमने फॉर्मुलेशन पढ़ा उसमें मैंने बताया था कुछ हर्बिसाइड्स के नाम जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, फैट लिक्विड्स में, जिनको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, वाटर में ब्लेंड नहीं होते अच्छे से, ठीक है। तो 2,4-D भी जो है एक ऐसा हर्बिसाइड है जो इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट इज़ कॉल्ड बी इट इज़ कैन बी डिजॉल्व इन पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल टू मेक इट वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और जब हम 2,4-D में 2,4-D जो हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, अब जब इसमें हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। सो इंडिविजुअली 2,4-D वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है इंडिविजुअली सिर्फ 2,4-D वाटर सॉल्युबल नहीं है, पर उसको हम जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जो कि एडजुवेंट है, क्या है, एडजुवेंट है, कैसा एडजुवेंट है, जो अपने में कपलिंग एजेंट टाइप का प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा एडजुवेंट है, ठीक है। तो जब हम इसको 2,4-D में मिलाते हैं और अच्छे से मिक्सअप करते हैं तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये इजिली वाटर सॉल्युबल होता है। उसके बाद हम इसको फील्ड पे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिवनेस दिखाता है, ठीक है। सो कम कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है, सो बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, दे आर कॉमन सॉल्वेंट है। इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। बेंजीन आपने पढ़ा होगा, बेंजीन जो कैटेगरी के जो हर्बिस केमिकल कंपोजिशन होगा जिनका, या एसीटोन फैमिली से होता होगा जो, ठीक है, दिस इज और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो पेट्रोलियम, ईथर का जो फॉर्मुलेशन होगा, ईथर का एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, CHCO CH बॉन्ड से जो ईथर बनता है, एसकीटोन एसीटोन जो बनता है, तो आपने ये ज़्यादा साइंस में हमें घुसना नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट मतलब विलायक के लिए, जिसको हम पर्टिकुलर हर्बिसाइड से मिक्सअप करते हैं जिससे वो ईजिली वाटर सॉल्यूबल हो जाता है और ईजिली स्प्रे करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। सो ह्यूमिकेंट्स प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग ऑफ हर्बिसाइड स्प्रे ऑन द फोलियर्स, दस प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्बिसाइड एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ हर्बिसाइड्स होते हैं जल्दी वोलाटाइल इन नेचर के होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाते हैं, तो जितने टाइम उनको हमारे वीड्स में पड़ना है, जितने टाइम वो सरफेस को कवर करना है, उतने टाइम भी अगर वो नहीं रुक पाते तो वो उसको किल नहीं कर पाते, अपना ज़्यादा प्रभावशालिता नहीं दिखा पाते उस पर्टिकुलर वीड्स के लिए, ठीक है। उस कंडीशन में हम ह्यूमिकेंट्स एडजुवेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिकेंट्स एडजुवेंट का क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या करते हैं, जो जल्दी से जो ड्राइंग हो जाता है, सूख जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, ठीक है, वाष्पित हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, उस टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसको कम करता है और फॉलिएज को प्रमोट करता है, ठीक है। जैसे सॉइल फॉलिएज हमने पढ़ा था, है ना, सॉइल अप्लाइड दो सिस्टम हमने पढ़े थे ना, मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन, उसमें हमने पढ़ा था, इसीलिए उस टर्म को मैं हमेशा से हाईलाइट करती हूँ ताकि आगे अगर वो वर्ड यूज़ हो या वो टर्म यूज़ हो तो आपको नया ना लगे कि अरे ये क्या होता है, ऐसा ना लगे, तो हमेशा एक एक टर्म को इसलिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आगे वो आएगा यूज़ में तो ऐसा ना लगे कि ये क्या है, ये कब पढ़ा हमने, ठीक है। तो ध्यान से सुना करिए, एक्सटेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्बिसाइड एब्सॉर्प्शन बाय दी प्लांट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल ह्यूमिकेंट्स के रूप में अपना काम करता है और उस हर्बिसाइड के साथ हम मिलाते हैं जिससे जो वॉलाटाइल ग्रुप के जो भी हर्बिसाइड्स हैं जो जल्दी वाष्पित हो जाते हैं उस टाइप के ग्रुप शायद को रैपिड ड्राइंग को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, बेसिकली ये रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन एंड देन डिपॉजिट बिल्डर्स, विथ वाटर डिपॉजिट बिल्डर्स आर केमिकल्स एडेड टू हर्बिसाइड कॉन्सेंट्रेशन टू कीप द टॉक्सिकेंट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ प्लांट सरफेस, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये इस टाइप की केमिकल है, केमिकल कंसंट्रेशन ऐड हम जब करते हैं हर्बिसाइड कंसंट्रेशन में, तो ये जो टू
टॉक्सिकेंट जो नेचर होता है, ठीक है, जब हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स का प्लांट करते हैं, जो डायरेक्ट टारगेट प्लांट में हम करते हैं, ठीक है, तो जब हम उसका यूज़ करते हैं तो ये हर्बिसाइड के जो टॉक्सिकेंट नेचर है उसको बनाए रखता है प्लांट सरफेस पे, जिसकी वजह से प्लांट जो हैं, वीड जो हैं, वो मरते हैं, जिनको किल किया जाता है, तो उसमें डिपॉजिट बिल्डर कहते हैं, उस टाइप डिपॉजिट बिल्डर का टाइप के एडजुवेंट का हम यूज़ करते हैं। दे मिनिमाइज वॉश अप ऑफ टॉक्सिकेंट फ्रॉम द फोलियस ड्यू टू रेन, सेवरल पेट्रोलियम ऑयल्स एंड स्टिकर्स एक्ट एज डिपॉजिट बिल्डर्स, ठीक है। सो स्टिकर्स से समझ आ रहा है, स्टिकी नेचर का होता होगा, चिपचिपा सा होता होगा, ठीक है। सो डिपॉजिट बिल्डर जो है बेसिकली चिपचिपा इन नेचर का होता होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती होगी, उसकी कोर प्रॉपर्टी होती होगी कि वो चिपचिपा सा होता होगा, ठीक है, जो वॉशअप हो जाता है, नॉर्मली बारिश हो गई या हमने हर्बिसाइड दिया है और हमें दो दिन बाद उसका इरीगेशन भी करना है हमको अपने फील्ड पे, ठीक है, तो जो हमने हर्बिसाइड दिया है वो तो धुल जाएगा, तो उस कंडीशन में हम डिपॉजिट बिल्डर टाइप के एडजुवेंट का यूज़ करते हैं, जो उसके जो टॉक्सिकेंट नेचर है हर्बिसाइड का उसको बनाए रखे, ठीक है, जिससे हमको वीट के कंट्रोल में हमको आसानी हो, ठीक है। देन आफ्टर कंपैटिबिलिटी एजेंट्स, ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स इन लिक्विड फॉर्म कैन बी अप्लाइड इन अ सिंगल स्प्रे टू सेव एप्लीकेशन क्रॉप, ठीक है। तो कुछ एडजुवेंट्स, इस जैसे मैंने बताया कि कुछ इन कैन टाइप्स के एडजुवेंट्स होते हैं, ठीक है, इन कैन टाइप के एडजुवेंट्स मतलब जिनका हर्बिसाइड्स के फॉर्मुलेशन के टाइम ही उस टाइप के एडजुवेंट्स को हम ऐड कर दिए रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी हुई होती है कुछ हर्बिसाइड्स की, जो कंपनी से ही बन के आते हैं कि वो उसमें एडजुवेंट भी ऐड होंगे। आप जब केमिकल कंपोजिशन देखेंगे किसी हर्बिसाइड्स का तो काफ़ी कुछ डिटेल में उसमें लिखा होता है, इमल्सीफायर कंसंट्रेशन कितना है, किस फॉर्म में है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, वेटेबल पाउडर के फॉर्म में है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। तो उस टाइप के हर्बिसाइड कंपैटिबल होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उससे, वो क्या करते हैं उससे, हमारा क्या होता है, अलग से हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी के जो एडजुवेंट्स हैं आप अलग से ऐड कर रहे हैं ना, आप अलग से ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको अलग से एडजुवेंट केमिकल भी खरीदना पड़ रहा है, तो कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी एजेंट्स जो होते हैं उस टाइप के हर्बिसाइड्स हैं जो कंपैटिबल होते हैं, उसमें मिले हुए रहते हैं या उस जो इफेक्टिवनेस को दिखा सकते हैं, ठीक है, जो प्रभावशाली दिख से अपना प्रभावशालिता से अपना जो इफेक्ट है उसको दिखा सकते हैं, तो उस टाइप के जो एजेंट्स हैं उसको हम कंपैटिबिलिटी एजेंट्स कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स, इसका बहुत सारे हर्बिसाइड्स बहुत सारे फॉर्मुलेशन में आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का फॉर्मुलेशन होता है उनका। तो कुछ एग्जाम्पल नाम है, मे बी ये ट्रेड नेम है, ठीक है, ट्रेड नेम है जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, ठीक। और वो जो है वो ऐसा रहता है कि आप इस टाइप के जब हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो आप जो एप्लीकेशन कॉस्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन कॉस्ट है, स्प्रे एप्लीकेशन जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक्टिवेटर्स, ठीक है, दीज आर केमिकल्स हैविंग कोऑपरेटिव एक्शन विथ हर्बिसाइड्स, ठीक है, तो ये कॉमन कोऑपरेट करते हैं। ऐसे तो सारे ह्यूमिकेंट्स और सारे एडजुवेंट्स हमने पढ़ा, सर्फेक्टेंट्स पढ़ा हमने, डिपॉजिट बिल्डर पढ़ा, सारे जो जितने भी एडजुवेंट हैं वो एक्टिवेटर ही होते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है एक्टिवेटर, जो कोऑपरेट करते हैं हर्बिसाइड्स के एक्शन के साथ, ठीक है, मोड ऑफ द एक्शन उनका कैसा है उसके साथ कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेट अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, वीट कंट्रोल करने के लिए। सो द रिजल्टिंग फाइटोटॉक्सिसिटी इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो क्या होता है, ये जो एक्टिवेटर्स टाइप के कुछ हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, वो इनका रिजल्ट ऐसा होता है कि जब हम इंडिपेंडेंटली किसी एक्टिवेटर का यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलता जितना हम टू वर्किंग, अगर दो लोगों को मिला देते हैं, मतलब दो एडजुवेंट को हम मिला देते हैं तो इतना इफेक्टिव वो दिखाते हैं अपना, एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंटली वो अपना इतना एक्टिव नहीं होते। तो दो केमिकल कंपोजिशन को या दो सब्सटेंस को, मटेरियल को आप मिला देंगे तो दोनों की प्रॉपर्टी मिलकर ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो जाती है। तो उस टाइप का जो एडजुवेंट होता है वो एक्टिवेटर कैटेगरी में आता है, ठीक है, उसका एक प्रकार है एक्टिवेटर,
So there are some example is paraffinic oils, ammonium thiocyanate, urea and ammonium chloride to enhance the 2,4-D phytotoxicity. देखिए 2,4-D phytotoxicity मतलब इसकी 2,4-D की toxicity को बनाए रखने के लिए इस टाइप का adjuvant हम ऐड कर सकते हैं जो कि क्या है paraffinic oils हैं ammonium thiocyanate हैं तो ये सब organic compounds हैं ठीक है तो ये आप एग्जांपल ध्यान में रखेंगे एंड देन ड्रिफ्ट कंट्रोल जो बहाव को रोके उस टाइप का एडजुवेंट है सो इनवर्ट इमल्सन आर यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ हर्बिसाइड स्प्रे ड्रॉपलेट्स फॉर मिनिमाइजिंग सीरियस हजार्ड्स टू नॉन टारगेट प्लांट ठीक है तो ये जो कुछ टाइप के हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो नॉन सेलेक्टिव इन नेचर के होते हैं ठीक है तो ये जो है उस टाइप का एजेंट है जो इंक्रीज जो हर्बिसाइड स्प्रे के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना उनको इंक्रीज करता है ठीक है और क्या करता है सीरियस हजार्ड को वो रोक देता है जिससे जो हमारे नॉन टारगेट प्लांट हैं वो डैमेज कम हो ठीक है सर्टेन केमिकल कैन बी यूज टू इंक्रीज द ड्रॉपलेट साइज मतलब जो ड्रॉपलेट्स मतलब आपको समझ आ रहा है ना जो हम छिड़काव करते हैं ठीक है जो हम छिड़काव करते हैं तो जो अलग से जो ड्रॉपलेट कर जो उस निकलता है हमारे स्प्रेयर से ठीक है तो उसका जो आकार है उसका जो साइज है उसको इंक्रीज कर देता है ठीक है तो इस टाइप से वो हमारी हेल्प करता है वीट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है तो सॉल्यूशन स्प्रे हर्बिसाइड लिक्विड्स इन लार्ज ड्रॉपलेट ठीक है तो ये सॉल्यूशन एक ऐसा है जो हर्बिसाइड लिक्विड की स्पेलिंग एरर है तो आप इसको सुधार लेंगे LIQUIDS ठीक है दैट इज़ लिक्विड्स ठीक है सो वो लार्ज ड्रॉपलेट साइज बना देता है हर्बिसाइड्स का तो ये था हमारा एडजुवेंट्स ठीक है तो ये सारे एडजुवेंट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा तो 8 प्रकार के एडजुवेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से एडजुवेंट्स हैं और ठीक है एग्ज़ाम में बेसिकली शॉर्ट नोट्स में आता है ठीक है कभी 5 नंबर का आ गया शॉर्ट नोट्स में तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे ठीक है तो आपको उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे और यू नो काइंड्स लिखना होगा उनका टाइप्स लिखना होगा अगर आप 8 मान लो 5 नंबर का आता है तो आप 8 प्रकार का उस प्रकार लिख दीजिए उसका और सबका दो दो एग्जांपल दे दीजिए तो इनफ है वो ठीक है या आप डील करने का अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप डील भी कर सकते हैं इसलिए मैंने डिटेल से एडजुवेंट्स को आपको बताया है कि क्या होता है और किस लिए हम यूज़ करते हैं ठीक है एक हमारे सिलेबस में है सेफनर्स ठीक है जिसके नाम से ही हमें समझ आ जा रहा है नेम इंडिकेट्स कर रहा है कि सेफनर्स मतलब जो हमारी जो सेफ रखता है प्रोटेक्ट करके रखता है ठीक है तो सब्सटेंसेस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप प्लांट्स विच आर अदरवाइज ससेप्टेबल और लेस टॉलरेंट टू सम हर्बिसाइड्स एट डोजेस रिक्वायर्ड फॉर गुड वीड कंट्रोल ठीक है अब क्या होता है हर्बिसाइड्स का हमको डोज रिक्वायर्ड होता है मान लो चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉडलीव वाली वीड हमारे फील्ड पे है ठीक है बड़ी चौलाई जो बोलते हैं जंगली चौलाई बोलते हैं इनको ठीक है और जंगली राइस टाइप की वीड अगर हमारे फील्ड पे है तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा हार्ड जैसे 2,4-D जैसे हर्बिसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा तो काफ़ी वो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ठीक है काफ़ी कंसनट्रेशन इन नेचर होता है बहुत ज़्यादा उनका सांद्रता होता है ठीक है तो वो जो है वो हमारे क्रॉप प्लांट को भी हार्म करते हैं तो कुछ सेफनर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कम टॉलरेंट क्रॉप हैं जो गुड वीट कंट्रोल करने के लिए तो हमें रिकमेंडेड जितना उनको जितना रिक्वायर्ड उनका है मात्रा है उसी मात्रा में हमें फील्ड में डालना पड़ेगा है ना तो उस कंडीशन में हम सेफनर्स का यूज़ करते हैं तो देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर सेफनर्स इज नेप्थिलिक एनहाइड्राइड जिसको हम NA बोलते हैं ठीक है तो 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स ऑफ राइस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोलिनेट एंड एलाक्रोर मोलिनेट एलाक्रोर हर्बिसाइड से हमको अगर बचाव करना है तो हम नेप्थिलिक एनहाइड्राइड जिसको हम NA बोलते हैं सिंपल में हम NA ही लिखा होता है इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो राइस में हम अगर उसको इसका 0.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से अगर हम मिला देते हैं उसके बाद ये हर्बिसाइड्स का हम स्प्रे करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे क्रॉप प्लांट को वो प्रोटेक्ट करता है ठीक है सो सम R 2778 8
सॉइल एप्लीकेशन प्रोटेक्टेंट स्मेज फ्रॉम एलाक्लोर एंड मेटाक्लोर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिया है जो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस इफ़ यू एड इन योर एग्जाम्स, सो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। सीरियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। सेफनर्स एंटर द टारगेट प्लांट एंड कम्पीट देयर विथ हर्बिसाइड मॉलिक्यूल्स फॉर ए बाइंडिंग साइट ऑन सम नेटिव एंजाइम्स ऑल्सो। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एडजुवेंट को डिटेल से पढ़ा, काइंड्स ऑफ एडजुवेंट्स पढ़ा और सेफनर्स भी हमने कम्पीट कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।